So हमने देखा कि बहुत लड़कियाँ एंड लॉट ऑफ गर्ल्स वर शाय टू वेयर शॉर्ट्स एंड गंजी एंड नॉर्मल मतलब दे वर फीलिंग कॉन्शियस. तो एक सिलिकॉन पोल जिसपे मैंने काफ़ी खर्चा किया, बैंक लोन लिया और सिलिकॉन पोल्स दो मंगाए और उस पर आप सलवार कमीज में या योगा पैंट्स में या फुल कपड़ों में जैसे आपने वीडियो में देखा पोल कर सकते हैं. तो दैट इज़ फॉर देम. अभी कोई एक्सक्यूज नहीं है आपको पोल को फिटनेस बनाने के लिए. इट इज़ अ फिटनेस मॉड्यूल और हमने उसके साथ सेल्फ डिफेंस भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें MMA, वेट लॉस, सेल्फ डिफेंस, जो आज टुडे इट्स द नीड ऑफ द आवर फॉर द इंडियन वुमेन. So you can become strong, you can become sexy, you can become beautiful, yeah. You can wear salwar kameez and you can kick ass. Of course, okay, you can protect yourself. Yeah. Your input. Well, my input for this thing is कि आप जब poll करते हो, so poll जब मैंने पहली बार poll किया था तो मुझे बहुत वो लग रहा था like यार ये तो लड़कियों का काम है, like हमारे लिए नहीं है, लड़कों के लिए. And I'm into martial arts और 22 साल से martial arts कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए नहीं है. बट जब मैं poll पे चढ़ा और मैंने देखा कितनी strength लगती है, सो इट वॉज लाइक कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है. लाइक कैलिस्थेनिक्स जिसे हम कहते हैं आजकल, कैलिस्थेनिक्स लड़के बहुत कर रहे हैं. सो ये कैलिस्थेनिक्स ही समझिए आप लड़कों के लिए स्पेशली. सो फॉर मेंस, अगर आप मेंस पोल करना चाहते हैं तो इट इज़ लाइक कैलिस्थेनिक्स. अपर बॉडी स्ट्रेंथ अमेजिंग, स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ अमेजिंग होती है आपकी और आप प्लस मार्शल आर्ट्स इसमें करते हो तो वो आपको और किसी लेवल पर ले जाता है. या छोटे कपड़े में अच्छा नहीं भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. बहुत मुश्किल हुई थी यार, मेरे तो खुद के खानदान ने मुझे डिजोन कर दिया था और फिल्म्स में तो मुझे काम मिल नहीं रहा था, टेलीविजन मुझे करना नहीं था. तो मैंने कहा मैं खुद की एक इंडस्ट्री बनाऊंगी. मैं खुद डिप्रेशन में थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जाके, और मैंने हर डांस फॉर्म किया था, सालसा शामक के साथ ट्रेनिंग, जैज, कंटेम्प्रेरी, बॉल रूम में मैं कम्पीट करने वाली थी, लेकिन मुझे एरियल भी किया था. कहीं ना कहीं गलती से एक जगह पे दुबई में गई थी, एरियल टीचर की जगह पोल टीचर आ गई और वो पता नहीं ये यू नो कुदरत की देन थी कि क्या था, मुझे अपनी कॉलिंग फाइंड करनी थी एंड आई फाउंड द पोल और मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा त्रिशूल मिल गया. एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू ट्रेन इन सिंगापुर. 4 महीने 8 घंटा दिन के मैंने ट्रेनिंग की और उसके बाद दुबई गई ट्रेनिंग के लिए. मीला मेरी टीचर आई और ट्रेनिंग की. फिर जब वापस आई और मुझे याद है मैंने एक ही पोल था मेरा, मैं अभी भी वो पोल को, वो उस पोल का नाम है काली, और मैं एक ही पोल पे लड़कियां आती गई, मतलब वो दरवाजे पे खटखटाती थी और हर लड़की का प्रॉब्लम एक ही होता था, डिप्रेशन या PCOD, थायराइड या अपने आप नॉट फीलिंग ब्यूटिफुल अबाउट देमसेल्व्स. एंड एक ही प्रॉब्लम होता था और मैं स्टोरी देखती कि मुझे वो खुशी मिलती थी जब वो लड़की 10 या 12 क्लास के बाद चेंज होती थी पोल की वजह से. बहुत सी लड़कियों ने नए जॉब शुरू किए, नए रिलेशनशिप शुरू किए, या तो अपने हस्बैंड्स बॉयफ्रेंड्स को छोड़ दिया या तो उनसे निभा लिया, और वो हमेशा जब आके कहती हैं कि यू नो व्हाट स्माइली, ये पोल के वजह से हुआ, ये पोल के वजह से हुआ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. तो हमने फिर उसमें एक और चीज़ ऐड की कि चलो क्यों ना हम उन लड़कियों को बुलाएं जो बहुत ही शाय हैं, जैसे मारवाड़ी लड़कियां हैं या लड़कियां जो सलवार कमीज़ ही पहनती हैं. इसके लिए मैंने खर्चा करके सिलिकॉन पोल्स मंगवाए और हमने एक और जैसे एक तड़का एक और डिश ऐड करते हैं. तो हमने उसमें मार्शल आर्ट रितेश को बोला कि मार्शल आर्ट सिखाए और अब दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें होगी. एक थाली मिलेगी आपको जहाँ 2 इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, सर उदय देशपांडे जो मलखम सिखाते हैं. मलखम पोल की शुरुआत तो इंडिया से ही हुई है भाई, मैं तो यही बोलूँगी. मलखम हमारा इंडियन पोल है, हमारी सभ्यता में योगा हमारा था, मार्शल आर्ट यहाँ से शुरू हुआ, हर चीज़ यहाँ से शुरू हुआ. तो हम क्यों ना वो सबको, इसलिए कैंप का नाम शक्ति है ताकि हम लोगों में शक्ति बांट सके. फिटनेस कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हाँ जी, फिटनेस कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर आप फिट नहीं हो, फिट हो जाओगे. फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये करता है. मैं हमेशा कहती हूँ, पता है, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ हाउ. अभी मिसेस मोना से भी मैं बात कर रही थी जो इस जगह की ओनर है. हम कहते हैं कि अगर 60 साल की उम्र में, इट्स नॉट अबाउट बींग साइज 0, इट्स अबाउट डूइंग आपका स्किल लेवल क्या है. अगर 60 की उम्र में आप एक कार्टव्हील कर सकते हो तो कौन फिट हुआ, आप या मैं? अगर
आप जैसे रितेश अभी कुछ ओल्डर लोगों को या लड़कियों को सिखा रहा है, और जब वो एक रोल या काटवीर या हैंडस्टैंड करती है उनको जो खुशी मिलती है, या पोल पे जब वो उल्टा लटकती है उनको जो खुशी मिलती है कि मैंने कर लिया मैंने कर लिया, तो वो आई थिंक दैट इज योर स्किल. आपके हाथ में अगर स्किल है तो आप फिट हो, आप स्ट्रांग हो. हम आपको फिट करवा सकते हैं. अगर आप फिट नहीं है तो हम फिट बनाएंगे, वही हमारा काम है, वही हमारा काम है. ओके, डांस, पोल डांस एक डांस फॉर्म ही नहीं रहा, एक डिप्रेशन का भी एक, इट्स अ हीलिंग टूल. यस, क्योंकि यस आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, और क्योंकि शाहीन भी अपने रिवील कर चुकी है कि वो भी डिप्रेशन से थी. Yes, I would suggest everybody to come from Shaheen to Sunny Leon, everybody to come and pole. Anyone who's suffered depression, anxiety. Sir Uday Deshpande ने पिछली बार बहुत अच्छी बात की थी कि this is the age of ये जो era है ना, depression का era है, क्योंकि we are very competitive. हम सुबह उठ के पहली चीज़ अपना phone check करते हैं, we're constantly on social media. ये इट इज़ अ वेरी सैड टाइम. एक टाइम था जब कैंसर, डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें चल रही थी, इस वक्त डिप्रेशन चल रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम. सो द ओनली वे टू कॉम्बैट डिप्रेशन, और याद रखिए एंग्जाइटी आपको कभी नहीं मारती. अगर आप एंग्शियस होते हो, अभी मैं एंग्शियस हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, दैट मीन्स यू वॉन्ट टू लिव इन द फ्यूचर. डिप्रेशन इज फीलिंग लो, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक रूम में बंद रहना है, मुझे ना रोना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे मरना है. That is depression. मेरे पास ऐसी लड़कियाँ भी आई हैं who have attempted suicide, और मैंने उनको बोला अभी 5 मिनट सुसाइड ज़रा डिले कर दो, 5 दिन पोल करो, उसके बाद सोचना अगर करना है. एंड 5 दिनों में वो लड़कियाँ बदल ही गई है miraculously. Yeah, और वो लड़कियाँ आज कुछ और हैं, और हम यही सोचते कि यार ये लड़की 5 दिन पहले बोलती थी, मतलब पिछले महीने इसने कहा था कि इसको सुसाइड कमिट करना है. हमने लड़कियों को दवाइयाँ लेने, मैंने दवाइयाँ ली जिसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन हुआ. काश मैंने नहीं ली होती, काश मुझे मैं मिल गई होती वो टाइम पे. सो एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, आई लर्न द इल इफेक्ट्स ऑफ इट. शक्ति पोल कैंप तक आई वॉन्ट टू गेट टू अ सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस, जैसा आपने कहा, एक स्किल मुझे एक्वायर करना है. मुझे भी हैंड स्टैंड पे हाथ पे चलना है जैसे रितेश चलता है, और मुझे भी कुछ फ्लिप्स, बैक फ्लिप्स मारने, तो वो मेरा स्किल सेट है, वो मुझे करना है, वो एक है सनक. शी इज ऑलरेडी सो फिट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं भी वो ट्रिक्स नहीं कर पाता पोल पे जो ये करते हैं, इज अमेजिंग. बट हाँ, अपीयरेंस के बेस पे उनका कुछ और टारगेट है. लाइक देखिए, दुनिया एक शो ऑफ दुनिया है, ये सारी शो बिज दुनिया या कैसे कह सकते हैं आप, तो वो अपीयरेंस बेसिस पे शी वॉन्ट टू अचीव समथिंग एल्स. अदरवाइज शी इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एज अ लेडी आई कैन सी राइट नाउ. शी कैन डू इवन कार्टव्हील्स एंड ऑल पोल पे. लेकिन जो चीज़ें करना वो बहुत आसान नहीं है. आप सब ये सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप रस्सी पे कितनी देर हैंग कर सकते हो, कुछ सेकंड्स, 5, 7, 10 सेकंड्स, तो ये तो 10 मिनट तक पोल पे घूमते रहते हैं. दैट इज अमेजिंग थिंग. ओके, यू आल्सो हैव योर ओन ट्रू कॉल शक्ति, शक्ति फौज. तो ये आम, ये डांसर्स नहीं है, मॉडल्स नहीं है, एक्ट्रेसेस नहीं है, ये आम लड़कियाँ हैं, और इसलिए मैं उनको अपनी शक्ति फौज बुलाती हूँ. क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई लड़की डिप्रेशन बैटल करके निकली, कोई लड़की, कोई औरत 55-60 ईयर्स की है, कोई आईटी इंडस्ट्री से है जिसने कॉर्पोरेट यू नो ट्रॉमा झेला है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उसके साथ मीटू गिरी हुई है, एक लड़की एडवर्टाइजिंग जॉब छोड़ के घर में, मतलब शी इज़ ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, तो ये मेरी शक्ति फौज है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, जिनके शायद माँ बाप, हस्बैंड ये वो अलाउ नहीं करते हैं, या और ये आते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं मेरे से, मुझे पैसे देते हैं, और परफॉर्म करेंगे दिसंबर में इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स के सामने. तो हम बोलेंगे ये है हमारी भारतीय नारी, ये है हमारा शक्ति फौज, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. और हमें ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं शोज़ और रियलिटी शोज़ पे परफॉर्म करने के लिए. बट मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, पोल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो वी विल नॉट डू इट फॉर फ्री, हमें वी विल गेट पेड फॉर इट, सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके मैम, अभी जस्ट आपने कहा मी टू से भी बहुत से लोग आए हैं आपके डांस ग्रुप में, जी लर्न दी डांस फॉर्म जी. सो अभी देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे जन हैं, जो बहुत सारे नाम ऐसे दिग्गज नाम आए हैं, सो मी टू के ऊपर आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है, मैंने वही कहा शुरुआत में कि लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. मी टू की वजह से ही हमने ये वीडियो शूट करते वक्त आई थिंक मीटू का पूरा ये सब हुआ था.
तो तब ब्रिटिश ने ही कहा था यार सब लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस वहीं के वहीं चाटा मारो. सेल्फ डिफेंस एज इन मतलब ये जरूरी नहीं कि मार्शल आर्ट सीखो आप. हाँ. आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए. आप फाइट करिए उस चीज के लिए. ऑन द स्पॉट फाइट करो ना. वहीं के वहीं आई हैड टू पुट माय फुट. और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इनिशिएट लो उसके बाद भी. ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है बौखला आ जाते हैं, सडन सिचुएशन आती है, आप समझ नहीं पाते क्या करना है, बट फिर भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उस सिचुएशन के लिए कि मैं अभी फाइट करूँ. और हम अगर बात करें ना, पता है मी टू लड़कों के साथ भी होता है. Of course, बहुत लड़के बाहर नहीं आते. मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम छोड़ा है. किसी ने मेरे साथ डायरेक्टली बदतमीजी तो नहीं की. Who's that? साकिब द ब्रदर ऑफ उमा कुरैशी. ओके, अभी हमने एक्चुअली देखा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई. आपने बताया तो जरूर देखेंगे वीडियो. अभी लड़के निकलेंगे मी टू के साथ. मैं बोल रही हूँ बहुत है. हमने तो कॉर्पोरेट सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, होटल सेक्टर में तो पूछा ही नहीं है. आपको पता है कितनी एयर होस्टेसेस या पायलट से परेशान है या जो कुछ है. मुझे पता है माय फ्रेंड्स एयर होस्टेसेस और वो कहती हैं कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है. अरे हॉस्पिटल डॉक्टर्स में ये होता है. ये यही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज इन द लाइमलाइट. मैं अपनी लड़कियों को वही सिखाती हूँ. वी वेयर लेस क्लोथ्स, वी आर वेरी हैप्पी विद आवर बॉडीज, बट कोई मजाल है कि कोई हमारे आस पास भी भटके. हम जब पार्टी करते हैं या हम शो करते हैं, कोई हमारे आस पास हम खुद के बाउंसर्स हैं एक दूसरे के लिए. बट देयर आर मेनी एक्ट्रेसेस हु टेकिंग अ एडवांटेज ऑफ दिस. यस, आई एग्री विद दैट, व्हिच इज नॉट राइट. जिसकी जो नॉट राइट है उसकी आवाज दब रही है. सो व्हाट यू लाइक टू से? आई वुड जस्ट से यू नो व्हाट, सच बोलो. और अगर आपको सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ना ये सब चीजें मत करो, अपना काम दिखाओ. और अगर आप में वो बात नहीं है, हट जाओ. एब्सोल्युटली हट जाओ. किसी को बदनाम मत करो, क्योंकि उस आदमी या उस औरत की भी फैमिली है. ये इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ लोगों को, इस इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को काम दिया है, बहुत घर चलते हैं, बहुत बहुत से लोगों की आमदनी और बहुत सी लोगों की रोटी चलती है. तो आप किसी, अगर आपके साथ नहीं हुआ है ना, तो प्लीज़ अननेसेसरी पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी ना करें. मत करो. इट इज़ कर्मा, कर्मा घूम के वापस आएगा आपके पास. दिवाली की मैं अपने शक्ति फौज को घर पे बुलाऊंगी. मैंने उनको कहा है हम सब साड़ियाँ पहनेंगे और साड़ी में पोल करेंगे, कोशिश करेंगे. और पटाखों के लिए बिल्कुल नो. मेरे 3 बच्चे हैं. आई एम अ क्रीचर मॉम. आई गेट वेरी अपसेट जब स्ट्रीट डॉग्स या होम डॉग्स पटाखों के लिए. आई हेट पटाखास. बट यस, हम लोग कुछ पोल करेंगे, कुछ बनाएंगे और वील जस्ट हैव फन एंड डांस. एंड आई थिंक डांस एंड पोल डांसिंग इज़ द बेस्ट वे टू स्टे फिट. और फिर मोतीचूर के 3-4 और काजू कतरी और खा सकते हैं, क्योंकि हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे. So that's okay, lastly, दो सवाल. एक अभी जस्ट याद आया, थोड़े दिन पहले इमरान हाशमी जी से बात हुई थी. हाँ. तो उन्होंने कहा कि मैं स्माइली सूरी पे बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ. जो ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने. अच्छा, अरे वाह, देयर इज आर्टिकल आल्सो ऑन दैट. रियली? हाँ. तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि जिस डिप्रेशन से यहाँ तक आए हैं पोल डांस, उसके ऊपर बहुत गर्व करते हैं. रियली? ये तो शॉकिंग है. मुझे नहीं पता था. मुझे तो नहीं बोलता. मेरे साथ तो बहुत स्ट्रिक्ट है. रितेश इमरान को ट्रेन कर रहा है. ही इज टीचिंग हिम एंड ही, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इमरान. ये मैं कहना चाहूंगी. वो उसने कहा था मैं पोल सीखने आऊंगा तुमसे, लेकिन मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल और होने दो. तो मैंने रितेश को भेजा उसके पास और एक महीने से वो रितेश के साथ ट्रेन कर रहा है. और मैं शॉक्ड हूँ उसे देखकर. हम जो बात कर रहे थे ना स्किल की, के हेड स्टैंड, कार्टवील, इमरान आज सब कुछ करता है. आप ये शायद आपको नहीं पता है, और पता नहीं मुझे बताना चाहिए था कि नहीं, मैं खुशी में बता रही हूँ. बट वो आपको शॉक करेगा उस अपने स्किल्स से. तो वो भी अपने स्किल से बात कर रहा है. और एंड में मैंने उसको बोला है कि दिसंबर में, और अगर वो मेरे से प्राउड है तो मैं कहूँगी दिसंबर में वो आके हमारा जो शक्ति पोल कैंप है उसमें पोल करे. मैंने जब उनको स्टार्ट किया था ट्रेनिंग करना, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काफी इशू आ रहे थे. लाइक ही वाज नॉट दैट फ्लेक्सिबल. हालांकि वो कर रहे थे काफी टाइम से प्रैक्टिस, लेकिन वो सही एक होता है ना कि आपको एक सही स्टूडेंट मिलना और आपको सही टीचर मिलना बड़ा जरूरी है. सो हमें वो एक दूसरे की ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई. और उसके बाद अभी उनका रिजल्ट आप देखोगे, अगर वो यहाँ किक करते थे तो आज वो यहाँ किक कर रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर देम. वेरी गुड. अभी आप आने वाले टाइम में देखोगे, मे बी मेरा, हमारा तो कुछ प्लान ऐसा है कि अच्छे लेवल पे स्किल्स जब हो जाएंगी तो कुछ एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंसेस एंड ऑल वो हम कर सकते हैं. हाँ. ओके, लास्टली मैम, व्हाट यू लाइक टू गिव द मैसेज टू ऑल द गर्ल्स हु वांट टू लर्न पोल डांस विद दिवाली विश?
So, happy Diwali, you girls. You are dhamakas, you are patakas, and become even more strong. Be beautiful, be sexy, come pole. If you don't want to wear shorts and a t-shirt, you can always wear salwar kameez and pole. But definitely pole fitness kijiye. Ye ek fitness module hai jo aapko thyroid PCOD se bachata hai, aapko depression se bachata hai, aapko beautiful mehsoos karwata hai. MMA self defense zarur seekhiye. Khud mein ek dhamaka baniye. Kuch kijiye. Be safe. Yeah, and be safe. And please don't burst crackers. Thank you. Become a cracker yourself. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.